बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है नवाज़ और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नवाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ट्राउट फिश। ये देसी स्टाइल है, जो ट्राउट हमने ली है ये देसी है, यानी कि ये फार्मी नहीं है और ये ब्राउन नहीं है, ये ब्लैक ट्राउट है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये रेसिपी आपने फॉलो करनी है और इसी तरीके से आपने बनाना है। शुरू करते हैं। अच्छा जी, फ़िश हमारे पास जो है ये तकरीबन 600 ग्राम की है। आप इससे बड़ा पीस भी ले सकते हैं, लेकिन हम 600 ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं पीस। अब सबसे पहले इसको हमने कट लगाने हैं, कट लगा कर फिर इसको हमने मैरिनेट करना है और फिर इसको बनाएंगे हम। अच्छा जी, कट इसको हमें लगाने हैं। ये देखिए, यहाँ से एक कट लगाना है इसको, देखिए यहाँ से लगाएँगे। ऐसे ही हमने चार काट इस साइड से लगाने हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा जी, अब इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले ऑलिव ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने डालना है। साल्ट इसमें ज़रूरत, आपने जितना आप पसंद करते हैं उतना ही साल्ट आपने डालना है। ब्लैक पेपर, ये देखिए ऐसे ही हमने दूसरी साइड से इसको लगा देना है। ऑलिव ऑयल लगाएंगे हल्का सा, साल्ट और ब्लैक पेपर। इसके अलावा इसको हमने कुछ नहीं लगाना, कि जो टेस्ट हम बनाएंगे वो सॉस के अंदर बनाएंगे। अब इसको लगाते हैं हम पैन में और इसको पकाते हैं। अच्छा जी, पैन हमने ले लिया और चूल्हे के ऊपर रख दिया। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ऑलिव ऑयल। अब जो फिश हमने मैरिनेट की है वो हमने पैन के अंदर लगा देनी है और इसको एक साइड से हम कलर देंगे, फिर दूसरी साइड से कलर देना और इसको दूसरे चूल्हे पे हम कर देंगे, फिर हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। अच्छा जी, अब इसकी साइड हमने चेंज करनी है। ये देखिए एक साइड से कलर आ गया और बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड से कलर देना है इसको, और इसको फिर बिल्कुल स्लो हीट पर हमने दूसरे चूल्हे पर रख देना और इसकी सॉस तैयार करनी है हमने। अच्छा जी, कलर दूसरी साइड से भी आ गया। अब हमने वेजिटेबल इसके साथ लगा देनी है ताकि वेजिटेबल हमारी ग्रिल्ड होती रहे साथ साथ। ये ऑप्शनल है, अगर आप वेजिटेबल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ना करें। अब इसको हमने साथ वाले चूल्हे पे कर देना है। ये हमारी फिश यहाँ पे तैयार होती रहेगी, अब इसकी सॉस तैयार करते हैं। अच्छा जी, सॉस हम तैयार करेंगे लेमन बटर सॉस। उसके लिए सबसे पहले हमने डालना है पैन में ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, येलो बटर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, अनियन चॉप 1/2 टेबलस्पून डालने हैं और गार्लिक चॉप हमने डालना है 1 टेबलस्पून। इसको सोटे करेंगे। अच्छा जी, अनियन और गार्लिक हमारा सोटे हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लेमन की वेजेस कटी हुई, यानी कि लेमन को कटा हुआ डाल देने, और 1/2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम सेलरी चॉप। अच्छा
एक पिंच हम डालेंगे इसमें सॉल्ट और एक पिंच डालेंगे इसमें ओरिगैनो, एक ही पिंच हमने डालना है इसमें ब्लैक पेपर। अब सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, इसको साइड पे करते हैं, फिश को चेक करते हैं। तो जी फिश हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसको एक से डेढ़ मिनट हम और पकाएंगे। अच्छा, जो वेजिटेबल है इसके ऊपर में सॉल्ट ओरिगैनो और ब्लैक पेपर, और इसको लगाऊंगा ऑलिव ऑयल। अच्छा जी फिश हो चुकी है हमारी तैयार, फिर भी हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और वेजिटेबल भी हमारी ग्रिल्ड हो चुकी है साथ। अब इसको हमने सर्व करना है प्लेट के अंदर। अच्छा जी सॉस को हमने दोबारा गर्म किया और इसमें ओलिव ऑयल हमने एक टीस्पून और डालना है ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो बरकरार रहे। अब हम फिश सर्व करते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे वेजिटेबल, अब लगाएंगे फिश, जी अब इसके ऊपर हम डालेंगे सॉस, और सॉस हमने डालनी फिश की एक साइड पे ताकि फिश ऊपर से नज़र भी आनी चाहिए। अच्छा जी ये हमने फ्रेश पार्सली चॉप जी, ट्राउट फिश हमारी तैयार है, ट्राई अपने करना और अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।